दुर्ग के रेलवे स्टेशन स्थित जायका होटल के कर्मचारी की मिली लाश। घटना की जानकारी लगते ही आसपास में फैली सनसनी से मौके में पहुंच पुलिस ने की जांच शुरू। दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित जायका होटल में कार्यरत 30 वर्षीय घनश्याम पटेल का मृत अवस्था में बगल की ही दुकान की छत पर शव मिला है, जिसके बाद अस्पताल में सनसनी फैल गई, साथ ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी। मिली जानकारी के अनुसार मोहनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। दुर्ग स्टेशन के सामने स्थित जायका होटल में हत्या हुई या खुदकुशी, यह जांच का विषय बना हुआ है। इस घटना की जानकारी लगती ही मोहनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया। इस मामले में मोहनगर पुलिस ने जायका होटल के 3 से 4 स्टाफ को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस मामले में मोहनगर थाना प्रभारी विजय कुमार ने इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। रात में एक मैसेज आया था कि जायका होटल है जो रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ से कोई छत से गिर कर मृत्यु हो गई है करके, तो फिर तस्दीक ले गए थे तो देखे कि वहाँ का जो कर्मचारी है घनश्याम पटेल, जायका का जो ऊपर में निवास रख रहते हैं लोग, उनके रहने के लिए व्यवस्था है, वहाँ से जस्ट वहाँ पे जो बाउंड्री वाले सरीके आपका रहता है वहाँ से जैसे दूसरे के छत पर गिरा हुआ मृत अवस्था में मिला है। ये मंडला के हैं निवासी एमपी के, तो उसके बाद फिर जो मार्ग पंचनामा की कार्रवाई करी से पीएम के लिए अभी जिला अस्पताल मर्सरी रवाना की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।